गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी हमको ये ताकत प्रदान करता है कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। डेमोक्रेसी यह बताता है, यह डिफाइन करता है कि भारत के नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, क्योंकि यह सिस्टम हमारा है, हमने तैयार किया है, यह हमारी सरकार है, हमारे प्रति जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का भारत के हर उस नागरिक को अधिकार है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। यानी किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी लिंग, किसी भी वर्ण, किसी भी व्यवस्था, चाहे वो पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, बस उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो, उसको वोट देने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। ये अधिकार हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देता है और इसी अधिकार के तहत हमारी डेमोक्रेसी में एक जान आ जाती है। वैसे तो संविधान ने, हमारे भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हमको बहुत सारे ऐसे कानून और बहुत सारे नियमों से बांध कर रखता है जिसका हम सम्मान करते हैं और जिसके तहत भारत के सभी नागरिकों को इक्वालिटी का दर्जा प्राप्त है। ऐसा कई बार देखा गया है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ ऐसे समस्याएं पहले के दशक में, आजादी के पहले दशक में या आजादी के थोड़े दशक बाद में समस्याएं रही है समाज में, सामाजिक विभिन्नता रही है, लोगों में जातिगत भावना बटी हुई थी, लोगों में आर्थिक भावना के आधार पे लोगों में जो है ये भेदभाव था, समस्याएं थी, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी था। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कह सकते हैं कि पहले जिम्मेदारी जो प्रथा थी उसके तहत किसी के पास 1000 एकड़ जमीन थी, किसी के पास कोई जमीन नहीं थी, और वह गरीब व्यक्ति उस जमींदार की जमीन पर काम करता था, उसका पूरा शोषण होता था, हर तरीके से मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर शोषण होता था। तो सरकार ने संविधान बनाकर, नियम कानून बनाकर उसमें यह प्रावधान लाया कि पहले तो सबके पास बराबर संपन्नता होनी चाहिए, रिसोर्स सबके पास बराबर, रिसोर्स को पाने का अधिकार सबको है, जिसको बाद में चकबंदी कानून भी बोला गया। जमीनों का बराबर तरीके से बंटवारा किया गया और ये जमीनों का बराबर तरीके से बंटवारा करना ही अपने आप में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम ला देता है। संविधान ने यह प्रावधान डाला गया कि सबको बराबर हक है अपने संसाधन का इस्तेमाल करने का। और भी नियम बदले गए और नियम लाए गए जिसमें कास्ट जैसे सिस्टम को हटाने की बात की गई, कास्ट इनइक्वलिटी कह सकते हैं हम इसको। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे समाज में, जातिगत भावना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी आपस में एक बहुत ज्यादा क्लैश था लोगों में, एक कह सकते हैं अंतर की भावना थी जिसको लोग सामाजिक रूप से उसका तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग थे उनका काफी शोषण होता था, जिसके लिए संविधान में वर्णित एक्ट बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के वह अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रोविजन संविधान लाया कि किसी को भी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं किया जा सकता है, स्पेशल तरीके से उनको अलग ट्रीटमेंट करके उनको रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उनकी समस्याओं को खत्म किया जा सके, समाज में उनको बराबरी का हक मिल सके, नौकरी में, विभिन्न क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाने के लिए और भी प्रयास किए गए। इवन सरकार की कुछ सीटों पर वो सीट रिजर्व किए गए ताकि वो भी सरकार का अंग बन सके, समाज में अपनी हिस्सेदारी दिखा सके। इस तरीके से नए नए नियम कानून लगाकर कास्ट सिस्टम जैसी कुप्रथा को भी खत्म किया गया। इन एडिशन कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज थे जहां पे सीटों को रिजर्व किया गया शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को लिए, ताकि वो बच्चे भी अलग जाके मेडिकल इंस्टीट्यूशन और अलग विभिन्न हायर एजुकेशन में अपनी शिक्षा ले सके और समाज में अपनी भूमिका का पूरा उपयोग कर सके, अपनी भूमिका का अच्छे तरह से वर्णन कर सके।
सामाजिक विकास में वो भी अपना योगदान दे सके। इसमें आगे और भी हो जाता है जेंडर बायस। जेंडर बेस इनइक्वलिटी आज भी हमारे समाज में ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन दिखाई देता है। हम सब बातें करते हैं महिला पुरुष। आज भी भारत के कुछ गांवों में, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में लड़कियों के पैदा होने पर ये बहुत सारी समस्याएं परिवार में खड़ी हो जाती हैं। ये सोच में लोग पड़ जाते हैं कि लड़की पैदा हुई है, उनके परिवार में पूरा सोकाकुल डूब जाता है, ऐसे गम में डूब जाता है जिससे क्या समस्या आ गई। और लड़की के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां खिलाई जाती हैं। हालांकि मैं मानता हूं ये काफी भावना कम हुआ है, लेकिन कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आज भी देश के कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, यह महिला और पुरुष का जो भेदभाव की भावना है ये बनी हुई है, जन्म लेने पर। और यह तो हम आपस में समाज में देख सकते हैं, किसी क्लासरूम के हिसाब से या अपने जनसंख्या के हिसाब से हम देख लें कि भारत में महिला पुरुष का जो रेशियो है वो महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है। यह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये इसी वजह से है, जेंडर बेस्ड अनइक्वलिटी। महिलाओं के जन्म लेने पर उनको दुखी प्रकट करना। पहले तो जन्म लेने पर ही ऐसे कुछ राज्य हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, हरियाणा राजस्थान में जन्म लेने पर कुछ दशक पहले बच्चों को मार देते थे, अबॉर्शन करवा देते थे। हालांकि सरकार ने उसमें नियम कानून बनाकर कन्या भ्रूण हत्या पे कानून बनाया है, कुछ की हत्या नहीं कर सकते, आप जांच ही नहीं कर सकते, जेल चले जाएंगे। तो ये एक सामाजिक जेंडर बेस या डिस्क्रिमिनेशन समाज में फैला हुआ है महिलाओं और पुरुषों के बीच में। महिलाएं पहले नौकरी करने बाहर नहीं जाती थी, उनका काम ऐसा सोच रहता था कि वो घर में रहे, खाना बनाए। परिवर्तन अब हुआ है जब महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, और तो और सेना के क्षेत्र में। और यह एक कह सकते हैं परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है जो बहुत ही आवश्यक है। हमारे समाज में बहुत परिवर्तन आया इसको लेकर, जिसका हम सब स्वागत करना चाहिए, हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने बहुत से नियम कानून बना रखे हैं, सीट रिजर्व की है लोकसभा में भी, अन्य स्थानों पर, ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ सके। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि सरकारी नियमों के हिसाब से संविधान ने कुछ एक्ट और कानून बनाए हैं ताकि सामाजिक रूप से हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिल सके। सबसे पहला तो संविधान में जो नियम बना कि सबसे पहले संविधान के कानून के नजर में हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक बराबर है, समान है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून के लिए हर व्यक्ति बराबर होना चाहिए, वो अमीर गरीब, पैसे वाला नहीं पैसे वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कुछ ऐसे भेदभाव है, कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनको खत्म कर देना चाहिए, जिनको हट जाना चाहिए, जिसमें धर्म, जात पात, ये वर्ण व्यवस्था, लिंग के आधार पे, डिसेबिलिटी के आधार पे जो उनके साथ भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी खत्म कर देना चाहिए। और गवर्नमेंट ने 1955 में इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल एजुकेशन का एक एक्ट पारित किया जिसमें सबको बराबरी का हक मिला। सरकारी नियमों के हिसाब से, सरकारी कानून के हिसाब से ये सब एक बराबर, ये सब इसलिए किया गया ताकि देश हमारा डेवलपमेंट कर सके, हर रूप में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का, जीने का, अपना विकास करने का, समाज में अपनी भूमिका अदा करने का अधिकार है और उसका कर्तव्य भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का क्यों ना हो, किसी भी वर्ण, किसी व्यवस्था क्यों ना हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष क्यों ना हो। इस व्यवस्था क्रम में भारत के हर नागरिक का एक कर्तव्य है वो भारत की, भारत के विकास में अपना सहयोग प्रदान करे। और ये तभी हो सकता है जब हम सब एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे।
इस पाठ के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से मैं भी चाहता हूं कि आपके अंदर एक मानसिक एक बदलाव आए और आप समाज में एक दूसरे का सम्मान कर सकें, एक दूसरे को सहयोग दे सकें। उम्मीद करता हूं इस चैप्टर के माध्यम से आपको ज्ञान और बहुत सारे चीजें जानकारी प्राप्त हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।